नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा लेक्चर्स में। और आज हम पढ़ेंगे फार्माक्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 की यूनिट 3 के बारे में। इस वीडियो में हम यूनिट 3 को पूरा कवर करेंगे। और जो पुरानी वीडियोज़ हैं वो आप ऊपर आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पर आप जाके आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो जनरली लिपिड्स होते हैं, जो कि नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं। और जो लिपिड्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं या एम्फीपैटिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब कि वाटर हीटिंग, तो इसलिए इसके पास बस नॉन पोलर ग्रुप्स होते हैं। और एम्फीपैटिक वो होते हैं जिनके पास पोलर और नॉन पोलर ग्रुप्स दोनों होते हैं। नेक्स्ट है लिपिड्स के कुछ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। पहले जो लिपिड्स होते हैं वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। ये ट्वाइस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दो गुना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एज कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। और ये जो लिपिड्स होते हैं ये नेचुरल सॉल्वेंट्स होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स के लिए। जो हमारे एडिपोज टिश्यू होते हैं उनके अंदर भी लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। और लिपिड्स का एक और इम्पोर्टेंट रोल होता है कि ये हमारे जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उनकी एक ही पोजीशन पे उन्हें फिक्स रहने में भी हेल्प करता है। लिपिड जो होते हैं वो एक थर्मल इंसुलेटर की तरह भी काम करते हैं हमारी स्किन के अंदर, मतलब कि टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होने देते। माइलिन शेल जो हमारी नर्व फाइबर्स में प्रेजेंट होती है उसके ऊपर भी लिपिड एक इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह काम करता है। और हमारी सेल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया में के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में भी लिपिड्स का एक वाइटल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ फैट्स और ऑयल्स की। तो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं और ग्रीसी फील होती है जब हम उन्हें टच करते हैं तो। कलरलेस होते हैं, ऑडरलेस और टेस्टलेस भी होते हैं। जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते पर सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है फैट्स और ऑयल्स की वो कम होती है वाटर से। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आता है हाइड्रोलिसिस। जब फैट्स का हाइड्रोलिसिस किया जाता है एल्काली, मतलब किसी बेस की प्रेजेंस में या फिर किसी एंजाइम जैसे कि लाइपेज की प्रेजेंस में, तो वो फैटी एसिड्स बना देते हैं और ग्लिसरॉल। लाइपेज का एग्जांपल लेते हैं तो लाइपेज फैट्स को ब्रेक डाउन करवा देता है ट्राइग्लिसराइड से और डाइग्लिसराइड में। अब रिएक्शन देखते हैं। फिर जो लाइपेज थी उसने ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट किया था डाइग्लिसराइड में और डाइग्लिसराइड से वो कन्वर्ट कर देता है उसे मोनोग्लिसराइड में और फिर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स फॉर्म कर देता है। जो लिपिड्स होते हैं उनकी जो वर्क की टेम्परेचर रेंज होती है कि किस में वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं वो है 0 से 40 डिग्री सेल्सियस। जो फैट्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं एल्काली के साथ तो फैटी एसिड्स बना देते हैं। जब फैट्स का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं किसी भी बेस की प्रेजेंस में तो हमें फैटी एसिड मिलता है। और ये जो फैटी एसिड है ये रिएक्ट करता है फिर से एक और बेस के साथ तो सॉल्ट बन जाता है। और फिर ये सॉल्ट जो होते हैं ये सोप्स होते हैं, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास ट्राइग्लिसराइड है NaOH एल्कली बेस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करेंगे तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड हमें मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में हम कन्वर्ट करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को सैचुरेटेड कंपाउंड्स में, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को कन्वर्ट करते हैं हम सिंगल बॉन्ड्स में हाइड्रोजन गैस को यूज़ करके और किसी कैटलिस्ट को यूज़ करके, मेटल कैटलिस्ट को, जैसे कि प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं और इसका एक और नाम है हार्डनिंग ऑफ फैट्स। जैसे कि एग्जांपल ले लिया, हमारे पास लिनोलिक एसिड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 13th और 12th कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है और एक 10th और 9th के बीच में एक डबल बॉन्ड है।
ये मेटल हमने कैटलिस्ट ले ली, निकल H2 ऑयलिक एसिड फॉर्म हुआ, वहाँ पे एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड हमने वहाँ से रिमूव करवा दिया और फिर इसकी रिएक्शन फिर से करी तो हमें मिला स्टेरिक एसिड जो कि फुली सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड से हमें सैचुरेटेड प्रोडक्ट मिल गया, इसे ही हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट है रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स। जब हम किसी भी फैट्स या ऑयली सब्सटेंस को एयर में फ्रीली रख देंगे तो उसके ऊपर माइक्रोबियल एक्शन होगा, माइक्रोब्स ग्रो करेंगे या बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन होगा या हाइड्रोलिसिस होगा, इन दोनों में से कोई एक प्रोसेस होगा जिसकी वजह से उसकी टेस्ट भी चेंज होगा और उसका ऑर्डर भी चेंज होगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स। हमारे पास दो टाइप्स की रेंसिडिटी आती हैं, एक होती है हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी, एक होती है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। सबसे पहले हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी, इसमें जो फैट्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज्ड होते हैं मॉइस्चर की और वार्म टेम्परेचर की प्रेजेंस में और बैक्टीरियल एंजाइम्स की प्रेजेंस में भी, जैसे कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, इसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, मतलब जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हों उन फैटी एसिड्स का इसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है और लिपिड परऑक्साइड्स, फैटी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स फॉर्म कर देते हैं वो। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ रेंसिडिटी की, क्या क्या इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। पहला होता है कि उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, ये जो हमारी प्रिपरेशन है उसमें अटेन बैड टेस्ट, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है और डिसएग्रेबल ऑर्डर, उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है और कुछ कभी कभी ऑक्सीडेशन के बाद कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स भी फॉर्म हो जाते हैं जैसे लिपिड परऑक्साइड, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी की, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हमारे जो फैट्स और ऑयली प्रिपरेशन है उनका ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहले उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करके जैसे कि BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल और BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन, हमारी जो प्रिपरेशन है उसे हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं ताकि टेम्परेचर थोड़ा कम रहे और जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रो ना कर पाएँ। नेक्स्ट है वैक्यूम पैकेजिंग, जब हम उन्हें पैक करें तो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई गैसेस प्रेजेंट ना हो। नेक्स्ट है उसे स्टोर करें हम डार्क प्लेसेस पे, और जब उसकी पैकिंग कर रहे हो तो इनर्ट गैस भी ऐड कर सकते हैं हम उसके अंदर, जैसे कि नाइट्रोजन गैस जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट है ड्राइंग ऑयल्स, जब हम अनसैचुरेटेड ऑयल्स को एयर में फ्रीली रख देते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो पॉलीमराइजेशन शो करते हैं और एक वाटर प्रूफ फिल्म बना लेते हैं, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग ऑयल्स और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम ड्राइंग। जैसे हम देखते हैं कोबाल्ट कैटलाइज्ड ड्राइंग प्रोसेस, ये हमारे पास एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ O2, कोबाल्ट कैटलिस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रॉसलिंग हुआ और लास्ट में फॉर्म हो गया हमारा जो ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एनालिटिकल कॉन्स्टेंट्स, जिसमें कुछ वैल्यूज आती हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, 5 से 6 होती हैं। सबसे पहले आता है एसिड वैल्यू, जो एसिड वैल्यू होता है इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि कितनी अमाउंट KOH की हमें चाहिए होगी न्यूट्रलाइज करने के लिए फैटी एसिड्स को जो कि प्रेजेंट हैं हमारे 1 ग्राम फैट में या ऑयल में। इसे यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए फ्री फैटी एसिड्स की, कितने फैटी एसिड्स प्रेजेंट हैं हमारे फैट में या ऑयल में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल, जो एसिड वैल्यू होती है उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं टाइट्रेशन से, टाइट्रेशन करके हमारा जो ऑयल या फैट है उसका अल्कोहलिक मीडियम में अगेंस्ट स्टैंडर्ड KOH या NaOH किसी भी बेस के अगेंस्ट उसका टाइट्रेशन करके।
तो इसमें हम डिज़ोल्व करते हैं 10 ग्राम सैंपल, जो ऑयल या फैट है उसका सैंपल, और 50 ml मिक्सचर बनाते हैं इक्वल वॉल्यूम, मतलब बराबर बराबर लेना है, 25 ml इथेनॉल और 25 ml ईथर। फिर टाइट्रेट कर देते हैं उसे स्टैंडर्ड KOH 0.1 m KOH सॉल्यूशन के साथ, या हम यहाँ NaOH भी ले सकते हैं, कोई भी बेस ले सकते हैं। और इंडिकेटर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर होता है ये। तो एसिड वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है 5.61 ईटा अपॉन डब्लू, ईटा होता है ब्यूरेट रीडिंग और डब्लू होता है सैंपल का वेट कितना है। सिग्निफिकेंस इसका है कि एसिड वैल्यू को हम यूज़ करते हैं हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी को जानने के लिए और अमाउंट जानने के लिए कि फैट कि हमारे फैट या ऑयल का जो सैंपल है उसके अंदर कितना अमाउंट फ्री फैटी एसिड्स का प्रेजेंट है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस होता है एसिड वैल्यू का कि ये इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है एडिबिलिटी ऑफ द लिपिड। नेक्स्ट है सेपोनिफिकेशन वैल्यू, इट इज़ द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सेपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, कि 1 ग्राम हमारा जो फैट या ऑयल का जो सैंपल है उसे सेपोनिफाई करने में कितना KOH हमें रिक्वायर्ड होगा। सेपोनिफिकेशन नंबर एक मेज़र हमें प्रोवाइड करता है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के बारे में फैटी एसिड्स के, जो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट होता है फैट का उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि मिलीग्राम ऑफ KOH अपॉन सेपोनिफिकेशन नंबर ऑफ फैट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल, जो सेपोनिफिकेशन होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें फैटी एसिड्स जो कि फैट्स और ऑयल्स में प्रेजेंट होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस होता है किसी भी एल्कली की प्रेजेंस में, किसी भी बेस की प्रेजेंस में, और वो ग्लिसरॉल बनाते हैं और पोटेशियम सॉल्ट्स बनाते हैं फैटी एसिड्स के। इसमें सबसे पहले हम नॉन क्वांटिटी फैट या फिर ऑयल की रिफ्लक्स करेंगे एल्कोहलिक KOH में, उसके बाद सेपोनिफिकेशन के बाद जो बचा हुआ KOH का अमाउंट है उसे हम टाइट्रेशन करेंगे, टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन। HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, कोई भी एसिड के अगेंस्ट उसका टाइट्रेशन करेंगे। फिर जो वैल्यू ऑब्टेंड होगी उसे यूज़ करेंगे डिटरमाइन करने के लिए सेपोनिफिकेशन नंबर को। नेक्स्ट सेपोनिफिकेशन वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है M(N) इंटू वी ब्लैंक माइनस वी टेस्ट अपॉन W ग्राम में। W है वेट ऑफ सैंपल, M है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KOH या NaOH जो भी हम बेस यूज़ कर रहे हैं, N है नॉर्मेलिटी ऑफ KOH, वी ब्लैंक है वॉल्यूम ऑफ HCl फॉर ब्लैंक सैंपल, मतलब जो हमने एसिड यूज़ किया था सैंपल का टाइट्रेशन करने के लिए कोई एसिडिक सॉल्यूशन हमने यूज़ किया था, वी टेस्ट है वॉल्यूम ऑफ HCl फॉर टेस्ट सैंपल। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस सेपोनिफिकेशन नंबर के, सेपोनिफिकेशन वैल्यू हमें एक आइडिया प्रोवाइड करती है कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा किसी फैट या ऑयल का, ये लेंथ ऑफ कार्बन चेन के बारे में भी बताती है हमें, एसिड की जो कार्बन चेन है उसकी लेंथ कितनी होगी, और जितनी ज़्यादा सेपोनिफिकेशन वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा परसेंटेज ऑफ शॉर्ट चेन एसिड्स प्रेजेंट इन ऑयल्स एंड फैट्स, मतलब जितनी ज़्यादा सेपोनिफिकेशन वैल्यू होगी उतने ही ज़्यादा शॉर्ट चेन के एसिड्स प्रेजेंट होंगे हमारे सैंपल के अंदर ऑयल या फैट के। नेक्स्ट वैल्यू आती है आयोडीन नंबर या फिर आयोडीन वैल्यू बोलते हैं, ये हमें बताता है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है किसी फैट या लिपिड में या ऑयल में। जितना ज़्यादा आयोडीन नंबर होगा या जितनी ज़्यादा आयोडीन वैल्यू होगी वो रिप्रेजेंट करेगा कि उतने ही ज़्यादा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो, मतलब उतने ही ज़्यादा डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं उस कंपाउंड के अंदर। प्रिंसिपल, जो ऑयल या फैट का सैंपल है उसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4
में मिक्स करेंगे और फिर उसे ट्रीट करेंगे आयोडीन मोनोक्लोराइड सॉल्यूशन के साथ ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। जो आयोडीन मोनोक्लोराइड का सॉल्यूशन है उसे ट्रीट करेंगे फिर हम सोडियम आयोडाइड के साथ, फिर जो लिबरेट होगा आयोडीन उसका हम टाइट्रेशन कर देंगे 0.1 mg सोडियम थायोसल्फेट के साथ यूजिंग स्टार्च सॉल्यूशन एज एन इंडिकेटर। स्टार्च को इंडिकेटर की तरह यूज़ करेंगे। आयोडीन वैल्यू के लिए एक फार्मूला होता है 1.26 बी माइनस ए अपॉन डब्ल्यू। बी होता है रीडिंग जब हमने ब्लैंक टाइट्रेशन परफॉर्म करी और ए होता है जब हमने बैक रीडिंग ली। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। इससे हम मेज़र कर सकते हैं अमाउंट ऑफ अनसेचुरेशन किसी भी फैट या ऑयल में, और जितनी ज़्यादा आयोडीन वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा अनसेचुरेटेड होगा वो लिपिड या ऑयल। नेक्स्ट है एस्टर वैल्यू। ये एस्टर वैल्यू क्या होता है? ये वो होता है कि कितनी अमाउंट हमें KOH की चाहिए होगी सेपोनीफाई करने के लिए एस्टर को, जो कि प्रेजेंट है 1 ग्राम हमारे ऑयल या फैट में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। इसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं टाइट्रेशन करके जो हमारा सैंपल है ऑयल या फैट का उसे अल्कोहल मीडियम में अगेंस्ट 0.5 mg SCL के अगेंस्ट। तो इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले वेट करेंगे हम 2 ग्राम सैंपल जो हमारा ऑयल या फैट का सैंपल है और उसमें 25 ml 0.5 mg इथेनोइक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे और उसे बॉईल करेंगे अंडर रिफ्लक्स कंडेंसर। एक कंडेंसर के अंदर हम उसे बॉईल करेंगे वाटर बाथ के ऊपर 1 घंटे तक। फिर उसमें 20 ml हम पानी ऐड कर देंगे। फिर ये जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा इसे हम टाइट्रेट करेंगे 0.5 mg SCL के साथ फिनोप्थेलिन इंडिकेटर को यूज़ करके। रिपीट करेंगे हम इस ऑपरेशन को ब्लैंक टाइट्रेशन में सैंपल के बिना भी 1 बार। फिर जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा दोनों टाइट्रेशंस के बीच में वो हमें बताएगा कि हमें कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या एल्कली रिक्वायर्ड है सेपोनीफाई करने के लिए एस्टर को, जो कि 1 ग्राम हमारे ऑयल या फैट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। ये हमें आइडिया देता है एक अबाउट कि कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप प्रेजेंट है हमारे सैंपल में। एस्टर वैल्यू हमें ये भी बताती है कि कितनी अमाउंट हमें एल्कली की कंज्यूम करनी पड़ेगी या कितनी अमाउंट एल्कली की चाहिए हमें सेपोनीफाई करने के लिए एस्टर को। नेक्स्ट है एसिटाइल वैल्यू। ये हमें बताता है, इसमें हम देखते हैं कि कितनी अमाउंट हमें KOH की। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम KOH ही लें, यहाँ कोई भी एल्कली ले सकते हैं NaOH ले सकते हैं, कि कितना अमाउंट हमें किसी एल्कली की चाहिए होगी न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एसिटिक एसिड को जो हमें ऑब्टेंड हुआ है सेपोनिफिकेशन से 1 ग्राम फैट के। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। इसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं सेपोनिफिकेशन वैल्यू से। सबसे पहले बॉईल करेंगे 10 ग्राम सैंपल लेंगे। सबसे पहले जो हमारा ऑयल या फैट का जो सैंपल है उसमें हम 20 ml एसिटिक एनहाइड्रेट डालेंगे और उसे बॉईल करेंगे 2 घंटों तक। फिर उसमें 600 ml पानी डालेंगे और उसे बॉईल करेंगे 30 मिनट तक, आधे घंटे तक उसे बॉईल करेंगे। फिर उसमें से जो एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट होगा उसे हम निकाल लेंगे और सेपरेट करके अलग रख लेंगे। फिर हम डिटरमाइन कर लेंगे सेपोनिफिकेशन वैल्यू एसिटाइलेटेड सब्सटेंस की। फिर डिटरमाइन कर लेंगे सेपोनिफिकेशन वैल्यू हम अपने सैंपल की। एसिटाइल वैल्यू का फॉर्मूला होता है 1335 b - a / 1335 - a। यहाँ पे जो a है वो सेपोनिफिकेशन है सब्सटेंस का, सेपोनिफिकेशन वैल्यू कितनी आई है, और b है सेपोनिफिकेशन वैल्यू एसिटाइलेटेड सब्सटेंस की जो हमने वहाँ से प्रोडक्ट निकाला था सैंपल में से। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। ये हमें एक आइडिया देता है
कि कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं हमारे सैंपल में, फैटी ऑयल में, और जितनी ज़्यादा एसिटाइल वैल्यू होगी उतने ही फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट होंगे किसी फैट ऑयल या फिर किसी लिपिड के अंदर। नेक्स्ट है रिचर्ड मिसल वैल्यू, इसे हम आरएम वैल्यू भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि कितनी अमाउंट 0.1 N KOH की या किसी अल्काली की हमें चाहिए होगी न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी वॉलेटाइल फैटी एसिड्स को 5 ग्राम फैट के अंदर या ऑयल के अंदर। नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल, जो फैट है उसे सेपोनिफाई करेंगे हम यूज़ करके ग्लिसरॉल एल्केलाइन सॉल्यूशन और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन, फिर फैटी एसिड्स लिब्रेट होंगे। जो फैटी एसिड्स लिब्रेट होंगे वो स्टीम डिस्टिल्ड होंगे और जो स्टीम वॉलेटाइल फैटी एसिड्स होंगे उन्हें हम कलेक्ट कर लेंगे। जो स्टीम वॉलेटाइल होंगे उन्हें हम कलेक्ट कर लेंगे और जो स्टीम डिस्टिल्ड होंगे उन्हें वहीं रहने देंगे। फिर एक जो कूल्ड कंडेंसेट होगा वॉलेटाइल फैटी एसिड्स का उसे फिल्टर कर लेंगे और सेपरेट कर लेंगे हम वाटर सॉल्यूबल और वाटर इनसॉल्यूबल फैटी एसिड्स को अलग अलग। जो वाटर सॉल्यूबल फैटी एसिड्स होंगे उसे हम टाइट्रेट करेंगे किसी भी बेस के अगेंस्ट और आरएम वैल्यू हम डिटरमाइन कर लेंगे। नेक्स्ट है इसका सिग्निफिकेंस, ये हमें एक आइडिया दे देता है, ये मेज़र है ये वाटर सॉल्यूबल स्टीम वॉलेटाइल फैटी एसिड्स का कि कितना अमाउंट किसी भी सैंपल के अंदर वाटर सॉल्यूबल फैटी एसिड्स का प्रेजेंट है। ये हमें बताता है, ये इसे हम यूज़ करते हैं एनालिसिस में बटर और मार्गरिन्स में भी। मार्गरिन्स भी एक फूड प्रोडक्ट होता है, बटर टाइप का ही होता है ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।